तो हमारे बीच में कुछ बहुत हमें सवाल पूछे जा रहे हैं जनता द्वारा, तो कुछ और सवालों पे चर्चा करते हैं। वकील क्या करें जब सुप्रीम कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट या जिला कोर्ट तक वर्तमान सरकार का आशीर्वाद है? एक बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आया है, ये इसका जवाब हम आंजल जी से लेना चाहेंगे जब कोर्ट की बात है तो। देखिए अंकुश जी, अभी इन्होंने बोला है कि सेशन कोर्ट और जिला कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट पे आशीर्वाद हो सरकार का, तो ये हमेशा ये चीज नहीं होती कि आप कितना भी प्रेशर हो, ऑल दो हम जानते हैं कि प्रेशर होता है पॉलिटिकली, पर हमेशा ये नहीं होता कि पॉलिटिकली प्रेशर के दौरान ही आपको कुछ भी डिसीजन मिलेगा या जस्टिस मिलेगा। अगर हमारा एडवोकेट और हम अपना पॉइंट्स अच्छे से रखते हैं तो जुडिशरी के ऊपर भी एक प्रेशर बन जाता है कि उनको भी कहीं ना कहीं हमें जस्टिस देना ही होता है। तो हमने देखा ही है वैसे तो पॉलिटिकली प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जैसे बापूजी के केस में भी प्रेशर काफी है जजेस के ऊपर ऊपर, जिस वजह से डिसीजन में डिले हो रहा है। तो यही हम तो वैसे कोशिश करते हैं कि वो जजेस जो हैं हमारे एडवोकेट्स के पॉइंट्स को उनको सुने, अपील की वो कैसे क्या रिटर्न कर रहे हैं। जी, आपके लिए एक सवाल और फ्लैश हो रहा है। संविधान के अनुच्छेद 14 में जीने का अधिकार की बात की गई है, फिर क्यों न्यायालय इन बातों से स्वयं ही पीछे हट रही है? 85 वर्षीय बापूजी को क्योंकि उनके मौलिक अधिकार बेल से भी वंचित रखा जा रहा है? ये सवाल आई थिंक आप ही जवाब देंगे इसका। जी बिल्कुल, 14 आर्टिकल के अंदर हमारे पास राइट होता है कि राइट टू लिव, कि आप बिल्कुल फ्रीडम के साथ आप रह सकते हो, और आपको कोई अगर परेशान करता है इलीगली या अननेसेसरीली, आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाता है तो आप उसके रिगार्डिंग बेल अप्लाई कर सकते हो या अपना केस फाइट कर सकते हो। लेकिन बापूजी के केस में हमने ईच एंड एवरी पॉसिबल एफर्ट्स हमने किया है, पर इफेक्टिव डिसीजन नहीं आया, हमारे फेवर में डिसीजन नहीं आया। हम ये जानते हैं कि बापूजी को अननेसेसरीली फ्रेम करके फंसाया गया है, पर उनके कुछ भी एविडेंसेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो ये मतलब एक प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी है, हम जितना भी एफर्ट्स कर रहे हैं कुछ भी इफेक्टिव आंसर नहीं आ रहा हमारे लिए। तो इसमें कहीं तो हमारी और से भी कुछ कमी है, ये भी हम कहते हैं कि हमारी तरफ से, बापूजी की तरफ से जो कुछ एडवोकेट के थ्रू कुछ शायद कमी रह जाती वो कि वो अपनी तरफ से कुछ इतना कहीं इफेक्टिव आंसर रिप्लाई नहीं आ पाए जज से, तो ये भी कमी रहती होगी। लेकिन ये भी है कि कुछ प्रेशर भी है, तो बोथ साइड बाय साइड है, और ये तभी होगा जब हम इस कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ यूनिटी के साथ फाइट करेंगे। मेन ये थिंग हमारी है, मुद्दा जैसे जो भी अभी हमारी डिबेट चली है इसमें मेन थिंग क्या है कि हिंदुस्तान को क्यों फंसाया जा रहा है, क्योंकि हमारी यूनिटी ही नहीं है, हम हिंदू ही हिंदू आपस में भिड़ रहे हैं, हमारे विचार एक साथ नहीं मिलते। अभी एक एक है साधक, एक है नॉन साधक, तो दोनों के विचार नहीं मिलते, कुछ किसी को मानते कुछ किसी को मानते, ठीक है सब अपने अपने धर्म अपने अपने ईष्ट देव को माने, बात सही है, पर किसी जब संत के ऊपर प्रहार होता है तो एटलीस्ट तब तो किसी हिंदू सब हिंदुओं को एकजुट होकर के एक प्रोटेस्ट करना चाहिए एक हिंदू संत के फेवर में। जैसे कि मान लो अगर किसी मौलवी के साथ कुछ भी गलत होता है तो मुस्लिम लोग होते हैं, मुस्लिम में भी आप सुनते हो, आपको जानते होंगे सब लोग कि दो कैटेगरीज होती है सुन्नी एंड शिया, तो उसमें भी अगर किसी मुस्लिम के साथ गलत होता है वो सब लोग बिना किसी कैटेगरी के बिना अपनी जातियां को देखे हुए एकजुट होते हैं, अपने मौलवियों के लिए अपने धर्म के लिए एकत्रित होते हैं। और दूसरे क्रिश्चियन में देख लो या किसी भी धर्म में आप देखो, सब में इतनी यूनिटी है कि एक भी किसी के धर्म गुरु के ऊपर अगर कुछ भी आरोप लगता है तो सब लोग एकत्रित होके इकट्ठे होके कुछ भी प्रोटेस्ट करते हैं, और वो ऐसा प्रोटेस्ट करती है पूरा दुनिया जानता है कि कुछ भी वॉयलेशन करते हैं, कुछ वॉयलेंस करते हैं या कुछ गाड़ियां जला देंगे आप, मतलब हार्श जो भी करते हैं ट्रीटमेंट, पर क्षमा दूसरी ओर क्षमा हिंदू चाहूंगा, माफी चाहूंगा आंचल जी आपसे। समय समय कम है, एक सवाल स्क्रीन पे है जिसके बाद हम इस चर्चा से विराम लेंगे, क्योंकि हमारे साथ स्वामी जी भी हैं, आप भी हैं, आपके समय का हम पूरा ध्यान रखना चाहते हैं और
सो दैट कि हम हमारी जो ऑडियंस जुड़ी है उनका भी हम समय का ध्यान रखें। तो इस लास्ट प्रश्न से हम इस चर्चा को यहीं पे पूर्ण विराम देंगे। सो ये क्वेश्चन आया है, हिंदुत्ववादी सरकार के शासनकाल में निर्दोषता के अनेकों प्रमाण के बावजूद बापूजी की बेल अर्जी खराब स्वास्थ्य के बावजूद बार बार खारिज की जा रही है, क्यों संतों के लिए कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है? ये इस सवाल का जवाब पार्शल मैं कह सकता हूं कि ऑलरेडी स्वामी जी ने भी दे दिया है और आंचल जी ने भी दे दिया है, पर मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन करना चाहूंगा और स्वामी जी से ये प्रश्न रखना चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक हैं उनको उनको उनके सवाल का जवाब जरूर मिल जाए। स्वामी जी मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूंगा, हमारे देश में अगर हम देखें तो हमारे देश में जो बहुत सारी पार्टीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज हैं, मैं पॉलिटिकल इश्यूज पे नहीं जाना चाहता, बट उसमें से कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो अपने आप को हिंदूवादी पार्टीज कहती हैं, जो हिंदूवादियों की बात करती हैं, जो हिंदुत्व की बात करती हैं, तो क्या उनको इन अहम मुद्दों पे बात नहीं करनी चाहिए कि जिस देश में जब वो हिंदुओं की बात करते हैं तो उनको इस पे भी कुछ ध्यान देना चाहिए? जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो लोग यदि ध्यान देंगे, उनके वजह से उन्होंने यदि ध्यान दिया तो हिंदू हिंदू धर्म का रक्षण होता है, हिंदू साधु संतों का होगा। हम इसी बात से हम सभी को यही कर रहे हैं कि हमें गांव गली से दिल्ली तक ऐसा राजा बिठाना चाहिए, गांव का सरपंच हो कोई वो ऐसा राजा बिठाना चाहिए जो हमारा रक्षण कर सके। अभी वर्तमान हिंदुत्ववादी सरकार है तो उन्होंने तो इस विषय पर ध्यान देना चाहिए और उसका प्रयास हम मिलकर करेंगे, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है कि आप अपने संस्था ने बापूजी के क्या किया है, उनका क्या मिलना रहा है, राजनेताओं से क्या बात हुई है, लेकिन हम तो हमेशा के लिए राजनेताओं से मिलते हैं और जो भी महाराष्ट्र के जितने भी जो विषय है गंभीरता के उसको डंके की चोट पे कहते हैं, जैसे हमने पालघर में साधु संतों की हत्या हुई थी, ऐसे जो विषय है उसके बारे में हमने उनके ऊपर कड़ा विरोध जताया राजनीतियों का, और मिले भी उनके, खाली विरोध सोशल मीडिया से विरोध नहीं, उनको मिले जाके, मिलने के बाद उससे डिस्कस की हमें हमें ये चाहिए, ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो इस विषय में मुझे लगता है, मुझे इतनी तो जानकारी नहीं है, लेकिन मैं स्वयं आप सभी लोगों के साथ हूँ, आप जहां चाहे वहां आने के लिए भी तैयार हो, हम जाएंगे। पॉलिटिकल दबाव वो तो हमें बनाना ही पड़ेगा। देखिए कि भाई यदि मौलवी को ऊपर क्यों नहीं लगता, पादरियों क्यों, उनका पॉलिटिकल वो दबाव प्रेशर बनाते हैं, देखिए मेरे पीछे इतने लोग हैं तुम्हें गिरा देंगे, ये चुनाव में हम ऐसा एक फतवा निकालेंगे, ये करेंगे, तो पॉलिटिकल वो सब के बहुत सारे लोगों के ऊपर ऐसे गंभीर गुने हैं, मतलब कलम लगाए हैं। तो इस विषय पे ध्यान रख के हमें इस सोच के तहत पॉलिटिकल को बाजू हटा के, पॉलिटिकल को बाजू करके हम लड़ाई नहीं जीत सकते, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, उनको भी मिलना पड़ेगा। देखिए भाई जो सत्य है सत्य स्वीकार करो, उनसे मिलने के बाद ये इशू हम उठा सकते हैं, ऐसा